जो विनेश फोगाट है और साक्षी मलिक है और संगीता फोगाट है, उन्होंने बताया हमारे साथ बदसलूकी करी गई और हमारे साथ बदतमीजी करी गई और गाली गलौज करी गई। अन्य पर्सन आदमी था कोई भी जो प्रशासन के अंदर था या प्रशासन के बाहर था, उन्होंने फट्टा उठा के एक आदमी के सिर पे मार दिया। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो हमारा हरियाणा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये सिर्फ हरियाणा हरियाणा का नहीं पूरे देश का आंदोलन बनेगा। अभी पूरे देश का कोई भी हो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बिल्कुल अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय रात का 1 बज रहा है और हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है, बैरिकेड लगी हुई है और काफी मात्रा में पुलिस वाले भी यहाँ खड़े हुए हैं, और इसके तुरंत सामने ही जो है काफी सारे लोग खड़े हैं जो पहलवानों के साथ जो जो कुछ हुआ है आज उसके लिए अपना समर्थन जताने के लिए आए हैं। हालांकि उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और एक जो है हमारे साथ मौजूद हैं ये घटनास्थल के करीब थे और ये हमें बताएंगे कि अंदर क्या कुछ हुआ और पूरा घटनाक्रम क्या था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं जो भी है मैंने देखा उसके पास में ही था। कुछ लड़कियाँ जा रही थी अपने साइड में कुछ काम के लिए या कुछ वॉशरूम के लिए, वहाँ पे कुछ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे जो भी थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और जो गद्दे थे जो उनके सोने के लिए वे पानी में बारिश की वजह से भीग गए थे, वे फट्टे लेने जा रहे थे, उनको उठाने ले गए तो उनको मना कर दिया, उनको भाई यहाँ से कोई फट्टे नहीं उठाएंगे। किसी ने एक अन्य पर्सन आदमी था कोई भी जो प्रशासन के अंदर था या प्रशासन के बाहर था, उन्होंने फट्टा उठा के एक आदमी के सिर पे मार दिया। अच्छा, सिर पे मारा? हाँ, सिर पे मारा, वो वहीं पे बता, अभी भी हम वहीं अंदर ही था। और बताया जो विनेश फोगाट है और साक्षी मलिक है और संगीता फोगाट है, उन्होंने बताया हमारे साथ बदसलूकी करी गई और हमारे साथ बदतमीजी करी गई और गाली गलौज करी गई। ये वहाँ की अभी जो कंप्रेस हुई थी उसके में देखने में वहीं पे लाई था मैं। और मैं बताता हूँ जो ब्रजभूषण है अपने एमपी है सांसद है जो भी, वो सुशील पहलवान का नाम लेती है कि 2 बार मेडल के है वो जेल में पड़े हैं। बोला ये भी तो खुद कितने केस लगे हैं इस पे टाडा का भी लगा है, ये खुद इतना बड़ा क्राइम जो टाडा का लगता है उसी पे लगता है, ये खुद जेल में रह के भी बाहर आए हैं। तो सुशील पहलवान से अनजाने में गलती हो गई या नहीं हुई वो परमात्मा जानता है, ठीक है, वो लोन ऑर्डर है वो उसका फैसला सुनाएगा, अगर वो बेकसूर है तो उसको बाइज्जत बरी करा जाएगा, पर इसमें सुशील पहलवान का कोई मुद्दा ही नहीं था, उसको क्यों बीच में घसीट रही हो, वो तो खुद ही बेचारा अपने अंदर है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर जो भी कुछ हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ भी हो रहा है, रेसलर के साथ भी हो रहा है, अब ऊपर से रेसलर का कंपटीशन आ रही है, एशियन गेम्स की आ रही है, ओलंपिक क्वालिफाई आ रही है, ओलंपिक आ गया 1 साल के बाद 24 में, अब ये क्या तैयारी करेंगे और क्या ये लड़ाई करेंगे यहाँ पे, अब बताओ। अच्छा, ये आपने जो मुंह ढका हुआ है किस कारण से? ये मैं थोड़ा सा प्रशासन के कारण भी ढका हूँ और मैं सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता। ठीक ठीक, तो आप भी पहलवान हैं? हाँ, मैं भी पहलवान हूँ। हाँ जी, इसके साथ ही हमारे साथ यहीं पे मौजूद हैं, ये जो हैं इनका कहना है कि ये बहादुरगढ़ से आए हैं हरियाणा के और पहलवानों के समर्थन में आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम जी रोहित राठी है, मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। हम तो रोज़ आते हैं यहाँ, दिन में आते रहते हैं, कभी कभार रात को भी आते हैं, लेकिन अब हम जब 11 बजे की बात है, फेसबुक पे अगर हमारे पास मैसेज आए कि ऐसे ऐसे पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई है, तो हमने और उसको देखा कि हो सकता है फेक हो, लेकिन और जब हमने आगे देखा तो पता लगा कि सही में बदतमीजी हुई है। लेकिन और पूरे हरियाणा में ये संदेश फैल गया है, लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर साफ करने शुरू कर दिए हैं, पूरे हरियाणा से लोग आने शुरू हो गए हैं, हम 2-3 गाड़ी भर के यहाँ आए हैं और धीरे धीरे पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो हमारा हरियाणा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये सिर्फ हरियाणा हरियाणा का नहीं पूरे देश का आंदोलन बनेगा। अभी पूरे देश का कोई भी हो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बिल्कुल अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद। अभी कोशिश करी थी हमने अंदर जाने की, जो हमारे भाई बैठे हैं अभी फ़ोन नहीं मिल रहा है, पहली बात तो अभी हरेंद्र जी का ही फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, अंदर फ़ोन नहीं मिल रहा है, अभी बात करी अभी वो कह रहे हैं इंस्पेक्टर से बात करो, लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ऐसा क्या है कि अंदर उनको कैद करने की कोशिश करिए कि हम बाहर से जाके उनसे नहीं मिल सकते, क्या अंदर हो रहा है, किस तरीके से उनको रखा जा रहा है, ये गलत है। इनका जो रवैया है सरकार के दबाव में जो पुलिस प्रशासन है ये बहुत गलत कर रही है। जिस समय जो कुछ हुआ आप वहीं पे मौजूद थे, आप भी सुन के ही आए? हम अभी सुन के आए, हमने न्यूज़ देखी, और दूसरी बात क्या है ना, फ़ोन नहीं मिल रहा है सबसे बड़ी बात, तो उनके समर्थन में आए आते रहते हैं, लेकिन अभी रात को टेंशन की तो बात है, जिस तरीके से व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस वो शर्मनाक है और सहन करने लायक नहीं है।
लेकिन अभी तक तो शांतिप्रिय तरीके से चल रहे थे और हमारा आह्वान भी यही था कि भाई शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन को, इस धरने को आगे बढ़ाएं। खिलाड़ियों की तरफ से कोई भी किसी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं, कोई गलत व्यवहार नहीं, लेकिन इस तरीके का व्यवहार शांति, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर से देख लीजिए आप, पुलिस जो है बड़ी संख्या में और बैरिकेड्स लेके आ रही है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसे आसार लग रहे हैं कि इस रास्ते को और ज़्यादा ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो अभी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, थोड़ा बहुत जो मीडिया अप्रोच कर पा रहा है वो भी नहीं होगा। और इसके साथ ही सुबह तक और ज़्यादा भीड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हरियाणा से और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में जो है पहलवानों के प्रदर्शन के समर्थन में लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। और इसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात बरतने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल का इंतजाम भी किया जा रहा है, बैरिकेड्स आ गई हैं और अभी तक हम काफ़ी क्लोज पहुंच रहे थे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस पूरे इलाके में भी, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इस पूरे इलाके में यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया जाएगा और जो और ज़्यादा मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये तो अभी लोगों को काफ़ी पता नहीं है अभी कि ऐसी घटना हुई है, जैसे जैसे सुबह होगी फिर आप देखना यहाँ पे ये जो आंदोलन है ये पूरे जन आंदोलन बनने का काम करेगा, क्योंकि जो ये जो भाजपा सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, ये ऐसे भड़काने वाली साजिश है इनकी, ताकि ये आंदोलन उग्र हो। इनकी साजिश शुरू से यही चलती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन रहा हो, इनकी मंशा हमेशा से यही रही है कि कैसे ना कैसे करके आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, उनको तोड़ा जाए। इनकी मंशा यही है कि आज इन आंदोलन को उग्र करके किसी तरह इन पर लाठी चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहन बेटियों की इज्जत, ये खुद ही नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आज इनके साथ ये बदतमीजी हो रही है, इनसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि क्या तुम्हारे खिलाफ़ शोषण हुआ है। ये समय रह गया जिस समय जैसे द्रौपदी का सबके सामने, राजाओं के सामने चीरहरण हुआ था, आज भी वही समय आ गया है, लेकिन ये लड़ाई अब धर्म और सत्य की लड़ाई बन गई है। अब इसमें कुछ भी हो जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए हम पहलवानों के साथ खड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के, हमारी बहनों के साथ खड़े हैं। ये हमारी बहन बेटी हैं, इनके लिए मान सम्मान के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं और मार भी सका, हाँ इनके लिए हम मर भी सका, हाँ मिट जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहन करेंगे। ये गुंडे पाल दिए सरकार ने, बीजेपी ने गुंडे पाल दिए, ये अभी तो आन लग रहे हैं ना भाई, यहाँ तक तड़के तक जगह नहीं मिलेगी, बॉर्डर तेरा भी नेड़ा काम हो जाएगा, किसान मोर्चे वाला काम हो जाएगा यहाँ। ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये हफ्ते भर से चल रहा है, ज्यादा समय हो गया बल्कि, है ना, तो उस समय भी आप पहले भी आ रहे थे यहाँ पे रोजाना, उस समय भी ऐसा ही माहौल था या फिर उस समय आने जाने देते थे? तो उस समय तो आने जाते देते थे, इवन पता है ना सबको, पता चल रहा प्रशासन को, सुबह तक यह जगह नहीं मिलेगी, इतना आदमी आ जाएगा, 500 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े ना चारों, सारी दिल्ली को बॉर्डर को सील कर देंगे, कैसे आड़ा हो जाएगा काम। तो जैसा कि अभी आपने देखा पहलवानों के समर्थन के लिए काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और इनका दावा है कि और भी ज़्यादा लोग आएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है, दिल्ली का घेराव करने की बात की जा रही है और शायद पुलिस को इस बात की भनक लग चुकी है, इसलिए आप देख सकते हैं पीछे जो है बड़ी संख्या में पहले से बैरिकेड लगा हुआ था, उसके बाद अलग से बैरिकेड लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस बल को भी बढ़ाया जा रहा है।